Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों आधुनिक इतिहास के ऊपर केंद्रित इतिहास लेखन की बदलती रुझानों प्रवृत्तियों के ऊपर यह लेक्चर श्रृंखला है पिछले लेक्चर में हमने बंगाल में और ख़ासकर बंकिम चंद चटर्जी के इतिहास लेखन उनके सरोकार के बारे में बात की थी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज इस लेक्चर में हम रविन्द्रनाथ टैगोर की इतिहास संबंधित उनके नज़रिए उनकी चिंताएं, उनके सरोकार आदि के ऊपर बात करेंगे कई अर्थों में यदि देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर बंकिम की अगली पीढ़ी के रूप में हमारे सामने आते हैं जहाँ तक इतिहास के प्रति उनकी चिंताओं की बात है लेकिन दोनों ही में एक तरह से कहें तो ज़मीन आसमान का अंतर हमें दिखता है जहाँ एक और हमने बंकिम के अतीत संबंधित बातों में शक्ति पावर की केंद्रीय भूमिका को देखा जहाँ वे बात करते हैं इतिहास अर्थात अतीत के ज्ञान के रूप में और ज्ञान जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा मोक्षदायिनी नहीं होनी चाहिए उनके लिए क्योंकि वे वेदांत वैराग्य आदि की आलोचना करते रहे बल्कि ज्ञान उनके लिए शक्ति प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम था जो वे पश्चिम से अंतर्दृष्टि लेते हुए जिसकी बात करते हैं लेकिन हम जैसा आज के लेक्चर में पाएंगे कि शक्ति की यह केंद्रीयता को रविन्द्रनाथ टैगोर सिरे से उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उस उद्देश्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हमारे सामने नज़र आते हैं लेकिन जब मैंने कहा कि रविंद्र बंकिम की अगली पीढ़ी के रूप में देखे जा सकते हैं तो वह इसलिए भी कि जो तार बंकिम और रविंद्र को एक दूसरे से जोड़ती है वह यह कि बंकिम भी जो भौतिक जगत है सामाजिक दुनिया है जो सामाजिक उद्देश्य है उसकी बात करते हैं इतिहास में और इसी तरह रविंद्रनाथ बहुत अहमियत देते हैं सामान्य जीवन की साधारण बातों का गौन तत्वों का और इस अहमियत के बल पर वे पाश्चात्य इतिहास की अवधारणा पर सवाल उठाते हैं पाश्चात्य इतिहास की जो संकल्पना जो शिक्षा दीक्षा दी जा रही थी उन दिनों उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं लेकिन दूसरी तरफ फिर हम देखते हैं कि बंकिम कहीं न कहीं एक संकीर्ण समुदायवादी नज़रिए से विविधता को देख रहे थे दूसरी तरफ रविन्द्रनाथ में एक सम्यक दृष्टि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो सिंथेसिस की बात करते हैं तो इन कुछ समानता लेकिन बहुत अधिक भिन्नताओं के कारण रविंद्रनाथ की इतिहास दृष्टि हमारे लिए बेहद मानिकेज हो जाती यहाँ ख़ास तौर पर जिस एक आलेख की बात मैं करना चाहूँगा वह है 1902 में उनके द्वारा प्रकाशित भारत बरसेर इतिहासेर धारा इसे 1913 में सर जादू सरकार ने ए विज़न ऑफ इंडियन हिस्ट्री के रूप में अनुवाद किया और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है कि जहाँ एक तरफ हम रविंद्रनाथ टैगोर को एक कवि के रूप में और उनके राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई आलोचनाओं के रूप में जानते हैं वहीं इतिहास चर्चा में कहीं न कहीं रविंद्रनाथ टैगोर भुला दिए गए हैं जबकि यहाँ हम एक बेहद सशक्त पाश्चात्य इतिहास लेखन का आलोचना पाते हैं और जिस कारण से यह मेरे लिए आज इस चर्चा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बंकिम और रविन्द्रनाथ टैगोर के समानता विभिन्नता भिन्नता की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि और जो मैं कहने जा रहा हूँ वह इतिहासकार प्रथमा बनर्जी की किताब पॉलिटिक्स ऑफ टाइम्स से मैंने यह कोटेशन लिया है जिसे अपने शब्दों में मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ जहाँ बंकिम अतीत को देखने के यूरोपीय और भारतीय दर्शन के दैवीय और मानवीय आदि सभी विरोधाभासों को एकीकृत समय के खांचे में समेट कर ले आते हैं वहीं प्रथमा बनर्जी कहती हैं रविंद्रनाथ के लिए ये विरोधावासी वृत्ति ही रचनात्मकता की धरती मुहैया कराती है यह यदि एक क्षण ठहर कर हम देखें तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने कहा कि बंकिम कृष्ण के का उदाहरण यदि लें तो कृष्ण के दैवीय स्वरूप को उनके मानवीय देह के साथ जिस तरह से एक दूसरे को जोड़कर राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्र की एकता के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं उस जिस तरह वहाँ काल अलग अलग समय के वृत्त एक दूसरे से किसी मॉडल की तरह एक फ्रेम में जुड़ जाते हैं यहाँ उसी एकीकृत समय की बात इतिहासकार प्रथमा बनर्जी कह रही हैं उनकी पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए कहें तो दूसरी संस्कृति के साथ संघर्ष से अन्य राष्ट्रीयताओं के साथ परस्पर विरोध से अन्य के जरिए मनुष्य स्वयं को अपने आप को पूर्णता के साथ प्राप्त करता है रविंद्र के इतिहास के नज़रिए में यहाँ टैगोर के की थाती में शुरुआत में ही पर्दा उठाने के साथ ही हमें आर्य अनाड़ियों के मध्य संघर्ष मिलने लगता है लेकिन इस संघर्ष को वे विखंडनकारी मानने के बजाय उसकी ऊर्जा को रचनात्मकता के साथ अपनी इतिहास दृष्टि में पिरोते हैं अब इस पूरे फ्रेम में ये जो फलक हमने सामने रखा है इस पर हम इस लेक्चर में वापस पुनः लौट कर आएंगे विस्तार से लेकिन एक इतिहास के छात्र के रूप में हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम रविंद्र के बांगमय को एकास्म रूप में नहीं देखें वहाँ वैचारिकी के कम से कम चार अलग चरण हमें दिखते हैं जिसे मोटा मोटी तौर पर कहें तो 1877 से 1902 का जो फेज़ एक दूसरा जिसमें एक यंग टैगोर की छवि हमें मिलती है दूसरा 1902 से लेकर 1917 का चरण और इसी की शुरुआत आप कह सकते हैं कि उनके इस इतिहास के आलेख से होती है इसे उनके स्वदेशी रुझानों के साथ मिलाकर भी देखा जा सकता है लेकिन तीसरा चरण हम पाते हैं 1917 से 1921 के बीच जहां टैगोर में प्रथम विश्व युद्ध से त्रस्त मानवीय समाज की प्रताड़ना उनकी चिंताएं साफ झलक रही हैं और दूसरी तरफ जालियावाला बाग हत्याकांड से उनका मोह भंग होना और इस सब से वहाँ उनमें राष्ट्रवाद यूरोपीय राष्ट्रवाद की एक बहुत सशक्त आलोचना उभर कर आती है और जो इस राष्ट्रवाद से उपजे हिंसा को लेकर इतिहास जो साम्राज्यों के दास्तान को नैतिक आधार प्रदान करने वाला रहा उसकी आलोचना यह सभी हम यहाँ पाते हैं और फिर यहाँ एक बृहत् ह्यूमैनिस्ट सरोकार मानवीय मूल्यों के साथ टैगोर हमारे सामने नई दृष्टि के साथ मिलते हैं और चौथा चरण 1921 से 1941 जब उनकी मृत्यु हुई जब कहीं न कहीं एक बार फिर से भारत में हो रही राजनीतिक घटनाएं जैसे सांप्रदायिक हिंसा जातिगत दावे प्रतिदावे, इनसे उनकी जो समेकित संस्कृति या उनमें उनके मन में जो समरस सिंथेटिक सिविलाइजेशन का जो मॉडल था उसकी तरफ वो वापस पुनः नए प्रश्नों के साथ नई चिंताओं के साथ हमें इस फेज में दिखते हैं बहरहाल जैसा कि मैं पिछले लेक्चर्स में भी कहता रहा हूँ कि यहाँ हम अपना ध्यान इतिहास लेखन पर ही केंद्रित रखेंगे और इसलिए इन चारों चरण को मैंने संक्षेप में ही यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया है हमारा उद्देश्य दरअसल उस इतिहास के आलेख की तरफ लौटना है उस पर विस्तार से चर्चा करना है जो उन्होंने 1902 में लिखा था दरअसल यह आलेख उस समय इतिहास जिस तरह से स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता था उसका जो अकादमी स्वरूप जो था जो जाहिर सी बात है पाश्चात्य से सीधा अनुकरण किया हुआ था उस इतिहास की शिक्षा दीक्षा को केंद्र में रखते हुए उसकी आलोचना के उद्देश्य से लिखा गया निबंध है मैं फिर से दोहरा दूं कि दुर्भाग्य बस इस बेहद विचारोत्तेजक निबंध पर इतिहासकार कम ही ध्यान दिए हैं तो एक बात तो यह है कि गुरुदेव टैगोर यूरोपीय इतिहास के राज्य केंद्रित स्वरूप की आलोचना कर रहे हैं इस आलेख में जबकि इसके बरक्स वे भारतीय सभ्यता को समन्वयी समेकित या सिंक्रेटिक मानते हैं और यहाँ हम जो परवर्ती समय में 1921, 1922 में जब वे राष्ट्रवाद की आलोचना को मुकम्मल तौर पर सामने लाते हैं उसके बीच भी कहीं ना कहीं हमें दिखते हैं जब वे कहते हैं कि राष्ट्रवाद की और यहाँ राष्ट्रवाद का से सीधा तात्पर्य उनका पाश्चात्य यूरोपीय राष्ट्रवाद से है कि राष्ट्रवाद की संगठित आत्ममुग्धता भारतीय सभ्यता के लिए अनदेखी अनजानी बात थी वे हमें हमारे सामने इस बात को रखते हैं कि भारत में कभ, दरअसल कभी राष्ट्रवाद था ही नहीं तो जब टैगोर यह कह रहे हैं तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ वे दरअसल राजा रानियों और युद्धों के इतिहास के बजाय भारतीय जनमानस के अनुभवों की बात कर रहे हैं इसके साथ वे मानवीय संबंध और मानवीय मूल्यों पर बल दे रहे हैं तीसरी बात कि जब वे मानवीय मूल्य और मानवीय संबंधों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान ग्रामीण समुदाय की तरफ वे ले जाते हैं और उसका गुणगान करते हैं वे बताते हैं कि भारतीय परंपरा में एक सहमेलू दुख सुख में परस्पर साथ देते पड़ोसियों सा व्यवहार करते हुए अलग अलग समुदाय साथ रहते आए हैं तो यहाँ कहीं भी विविधता को नकारना नहीं है लेकिन विविधता के पड़े जाने की बात है जहाँ समुदाय ग्रामीण पड़ोसी सहृदय ग्रामीण पड़ोसी के रूप में हमारे सामने आते हैं टैगोर लिखते हैं कि लोग आते गए रक्त बहते रहे पाठान मुगल पुर्तगाली फ्रेंच ब्रिटिश हर किसी ने इस दूस्वप्न को और भी भीषण बनाया परंतु यदि आप इस रक्त रंजित नजरिए में कैद रहेंगे तो आपको असली भारत कभी नहीं दिखाई देगा तो देखिए यहां भी जिस तरह बंकिम असली भारत और सनातन परंपरा का एक अक्स उनके जहन में था और जितनी भी कुरीतियाँ आई बंकिम ने माना कि वह बात की, की कुरीतियाँ हैं लेकिन कहीं ना कहीं यह जो असली भारत रियल इंडिया यह उनकी चर्चा के केंद्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रहा उसी तरह यहाँ भी रविन्द्रनाथ टैगोर के सरोकार में वह असली भारत और उसकी खोज करना उसको उसकी पहचान कर किस तरह इतिहास में उसे लाना इतिहास जो शिक्षा दीक्षा का माध्यम है जिसमें यह असली भारत नदारत है इसको तरजीह देते हुए इसकी बात करना इसको लाना और इसलिए वे पाश्चात्य जो इतिहास दृष्टि है जिसमें लड़ाइयाँ हैं युद्ध हैं जिस दृष्टि से विदेशियों ने भारत का इतिहास लिखा जहाँ फिर से एक राज्य एक राजा दूसरे राजा के साथ लड़ाई करते हुए नजर आए एक कौम दूसरे कौम के साथ संघर्षरत नजर आता है तो ये उस नजरिए पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ये कहते हैं कि यदि आप उस रक्त रंजना में फंसे रहेंगे तो आपको असली भारत कभी नहीं मिल सकता अब रविन्द्रनाथ एक कवि हैं तो वह कवि हृदय किस तरह से अपनी आलोचना को गढ़ता है इसका बेहद खूबसूरत उदाहरण है यह आलेख वे कहते हैं कि उन दिनों में भी अर्थात अतीत में भी दैनिक जिंदगी तो चलती रही होंगी उसी तरह जैसे भीषण झंझावात के बाद भी जीवन चलता रहता है तूफान आता है चला जाता है तूफान के किसी दिन की बात भी करें तो महज उस रोज तूफान ही एकमात्र घटना नहीं होती मनुष्य के लिए जन्म मृत्यु खुशी और दुख जो उस दिन घटित होता है वह कहीं अधिक अहम है लेकिन यदि कोई बाहरी व्यक्ति आएगी तो उसके लिए महज वह तूफान की घटना ही उस दिन की सबसे अहम घटना मानी के रूप में मायने रखता है उसी तरह विदेशी इतिहासकार तूफान और धूल और गर्जन ही सुन पाते उस घर को कभी नहीं देखते जो अपनी पूरी जिंदगी में के साथ वही मौजूद रहता है तो ये उस घर की दैनिक क्रियाओं की बात करना चाहते हैं अतीत में महज तूफान तूफान एक उदाहरण है एक रूपक है किसी घटना के बजाय जीवन की लयात्मकता रागात्मकता की तरफ वे हमारा ध्यान आकर्षित आकर्षित कर रहे हैं वे आगे लिखते हैं कि जब हम उस इतिहास को देखते हैं तो वहाँ भारत नहीं मिलता वहाँ दिल्ली से आगरा मार्च करते मुगल और पाठान मिलते हैं लेकिन इसके परे भारत बसता है कबीर नानक और चैतन्य की जो जन्मभूमि है वह भारत है ऐसा नहीं कि यहाँ महज दिल्ली और आगरा था यहाँ काशी और नवद्वीप भी था जीवन पद्धतियाँ रही सामाजिक परिवर्तन होते रहे लेकिन इनका उल्लेख हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है जिस इतिहास की चर्चा विदेशी इतिहासकार करते हैं जो इतिहास भारत का लिखा गया है उसमें इन अवयवों की बात कहीं नहीं है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा न तो ये विविधता को नकार रहे हैं न ही ये संघर्ष को नकार रहे हैं लेकिन उस संघर्ष उस लड़ाई उस रक्त रंजना उस साम, सामुदायिक टकराहट उससे परे हमें जीवन के सामान्य क्षणों की तरफ ले जाना चाहते हैं और इन सामान्य क्षणों में इस उस रागात्मकता में ये भारतीय सभ्यता के सिंथेटिक एलिमेंट्स की बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए पश्चिम में इतिहास और साम्राज्यवाद एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे दोनों ही एक रेखीय रहे लेकिन यहाँ भारत में हमें इतिहास में जीवन की लय को ढूंढना होगा यहां साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन की लय सामान्य जीवन दैनिक जीवन की बात करते हैं लेकिन साथ ही हमें यह भी बताते हैं कि हमें भौतिक सुखों के बहुत गहरे जाकर आध्यात्मिक समृद्धि की खोज करनी होगी शक्ति और सत्ता की चाहत से जिसकी बात हमने पिछले लेक्चर में की जो बंकिम के सरोकार के मूल में रहा यहां उसके ठीक उलट टैगोर कहते हैं कि शक्ति और सत्ता की चाहत से हमें परे जाना होगा हमें सभ्यता जनित शांति और मानवीय आत्मा के सुख चयन की बात करनी होगी तो ये जो समावेशी दृष्टिकोण है यह बेहद महत्वपूर्ण है इसलिए भी क्योंकि बीसवीं सदी में की शुरुआत में यह निबंध लिखा गया 1902 में और पूरी बीसवीं सदी का राष्ट्रवादी चिंतन इतिहास चिंतन चाहे वे वह राजनेताओं के ज़रिए हमारे सामने आता है या फिर वह अकादमिक विमर्श के जरिए आता है कहीं न कहीं चाहे वह परिवर्तित रूप में ही क्यों न हो इस विविधता में एकता की बात भारतीय इतिहास धारा में हमें सुनहले अक्षरों में लिखी हुई मिलती है अंतर है और इस अंतर को रेखांकित करना भी इसलिए जरूरी है कि जब हम आगे जवाहरलाल नेहरू के इतिहास संबंधित चर्चाओं की बात करेंगे तो यह अधिक स्पष्ट होगा लेकिन यहां जो विविधता है बहुवचनीयता है टैगोर में उसे न तो खुरच कर समतल किया गया है और न ही उसको खारिज किया गया है दोनों ही बातें नहीं है यहां उस बहुवचन में अंतर्निहित जो रचनात्मकता है उसको उभार कर इतिहासकार के सामने एक चुनौती के रूप में पेश किया गया है और यह अपने आप में एक अद्भुत एक अनोखा अतीत को देखने का नजरिया हमें देता है अच्छा एक और बात है जो टैगोर की इतिहास दृष्टि के बारे में बात करते हुए हमेशा हमें अपने जहन में रखना होगा वह यह कि एक तरफ तो वे भौतिक जीवन और सुख समृद्धि से परे आध्यात्मिकता की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए सामान्य जिंदगी दैनिक जिंदगी जीवन की लयात्मकता वह महत्वपूर्ण है और इसके लिए वे प्रात्योहिक जीवन पर बल देते हैं तो यहां इतिहास के नजरिए में मानव उसका समुदाय उसकी भावनाएं दुख और यातनाएं सभी की बात है जो पाश्चात्य इतिहास दर्शन में कहीं नहीं उन्हें दिखा या एक लंबे समय तक कहें तो जिसकी उपेक्षा आज भी की जाती है हालांकि इस लेक्चर श्रृंखला में हम आगे इन बातों से किस इन अवयवों से किस तरह इतिहास ने अपने को सा, अपना संवाद स्थापित किया वह भी हम देखेंगे जब हम विभाजन या इंटरडिसिप्लिनरी हिस्ट्री की बात करेंगे जो 1980-1970 के दशक के मध्य के बाद से हमारे सामने आता है लेकिन आप देखें कि 1902 में एक कवि इतिहास के बारे में अपनी बात कह रहा है और वह मानवीय संवेदनाओं की बात करता है वह मानवीय दुख और यातना की बात करता है आप यदि समाज विज्ञान के इतिहास की तरफ देखें तो समाज विज्ञान को पश्चिम में 100 साल लगे 2000 के बाद का पहला दशक समाज विज्ञान में कुछ लोग मानते हैं कि एफेक्टिव टर्न लेकर आया अर्थात भावनात्मक मोर जिसे आप कह सकते हैं अब हिस्ट्री ऑफ इमोशंस की बात पिछले कुछ एक आद दशक में होने लगी है और एक शख्स 1902 में आज से 100 साल पहले भारत में संवेदनाओं को इतिहास के मूल में प्रतिष्ठित करने की बात कर रहा है इतना ही नहीं वे लघु जैसा कि मैंने पहले भी कहा गौन से नजरअंदाज कर दिए हुए जो जीवन के लम्हे हैं उनकी बात करना चाहते हैं और वे कहते हैं कि ये जो गौन से छोड़ दिए गए अनदेखे से लम्हे हैं यहाँ भारत की चेतना का निवास होता है अर्थात एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो ऐसे ही लघु अवयवों से उसका मानस बनता है उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है और राष्ट्र हमारे अंतर्मन में अंतर्निहित में अंतर्मन में हमारी मन की बीथियों में राष्ट्र निवास करने लगता है तो यहाँ देखेंगे कि जो बात हमने पहले भी की कि ये सांस्कृतिक धरोहर की बात कर रहे हैं लेकिन ये सांस्कृतिक धरोहर कोई हेरिटेज डिस्कोर्स जिस तरह से हमने हम देखते रहे हैं उसका उसकी बात नहीं है यह लम्हों की बात है यह हमारे अपने अनुभवों की बात है यह किले और महलों की बात नहीं है यह उन अनुभवों की बात है जो हम जाने अनजाने में बचपन से ही जिसकी आदत हमें पड़ जाती है और उस व्यवहार में उन आदतों में राष्ट्र आकार लेता है तो ये हमें कहीं ना कहीं जो अनकॉन्शस माइंड है जो अवचेतन मानस है राष्ट्र के अतीत का उसकी तरफ प्रेरित कर रहे हैं मैंने बार बार कहा कि यहाँ विविधता को खत्म कर सिंथेसिस की बात नहीं की जा रही है एक किसी तारतम्यता को स्थापित करने की बात नहीं की जा रही है वरन उन अंतरों को उन अंतर के ही रूप में अभिव्यक्ति लेता एक गहरा नाता जो किसी भी डायलॉग में किसी डायलैक्टिक में जो जो प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होता है उसकी तरफ इशारा करना है यह उस तरफ इशारा करना है कि हमारा जो अपना आत्म है वह कहीं आइसोलेशन में नहीं बनता है वह हमारा जिस तरह से आसपास के लोगों के साथ अन्य दूसरे लोगों के साथ जो संबंध होता है चाहे वह प्रेम का हो या नफरत का हो वे जो दूसरे के मन में जो हमारी छवि बनती है वह हमारे आत्म की छवि को स्वरूपित करती है तो अन्य और आत्म के बीच स्वयं और दूसरे के बीच के संबंध का जो गुणनफल है उसकी तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर इशारा कर रहे हैं लेकिन साथ ही कहते हैं कि और यह बात बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि यह आलेख दरअसल पाश्चात्य यूरोपीय इतिहास की अवधारणा को चुनौती देता हुआ उस पर आलोचना करता हुआ आलेख है तो वे कहते हैं कि ये जो अनजाना क्षण है यह गौंद सा जो लम्हा है यह अन्य और आत्म की जो परस्पर अंतर क्रियाएँ हैं ये लीला पाश्चात्य यूरोपीय इतिहास दर्शन में नहीं है वहाँ पॉजिटिव फैक्ट्स हैं ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं जो पॉजिटिविज्म के जरिए एक खास ज्ञान पद्धति के जरिए हमें उस वस्तुनिष्ठ सत्य की प्राप्ति करनी होती है और उसी के आधार पर हम बृहद आख्यान को गढ़ते हैं वहाँ मानव का दूसरे मानव के साथ जो अंतक्रिया क्रिया है वे तमाम बातें हैं जिसे किसी आप संरचना में जो फिट नहीं बैठता है उनकी बातें नहीं हैं उस उस तरफ रविंद्रनाथ टैगोर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं लेकिन सवाल उठता है कि यह जो काव्यात्मकता है यह जो इतिहास को उस समय के चौकठे से बाहर ले जाने की बात है क्या यह सब ऐतिहासिक सत्य और वस्तुनिष्ठता की कीमत पर हो रहा है क्या टैगोर हमसे यह आग्रह कर रहे हैं कि ऐतिहासिक सत्य को हम छोड़ दें हम वस्तुनिष्ठता की जो लीक इतिहास प्रबुद्धवाद के बाद से पकड़ी पॉजिटिविज्म के साथ उस लीक को छोड़ दें कथापि नहीं अर्थात यहां वह एक के बरक्स दूसरे को नहीं चाह रहे हैं तो फिर क्या उनका उद्देश्य है वे कहते हैं कि शांतिपूर्ण सत्य ऐतिहासिक निष्पक्षता की कसौटी पर कसकर ही उस कसौटी पर कसकर ही हमारे सामने शांतिपूर्ण सत्य आएंगे लेकिन यहां ऐतिहासिक सत्य को आप झुठला के झुठलाने के बजाय उनसे परे जाने की कोशिश है वहां मानव के तार्किक और अनियमित व्यवहारों की जो जमीन है उसको कुड़ेदने की जरूरत है वहां अपने ऐतिहासिक नजरिए के बीज बोने की जरूरत है तो जब ये कह रहे हैं तो आप देखें कि जो रैसनैलिटी का एक पूरा डिस्कोर्स है जिसमें इतिहास में मनुष्य का वही कर्म उसी का संज्ञान लिया जाता है जो कहीं ना कहीं रैशनैलिटी के फ्रेम में फिट बैठता हो उस रैशनैलिटी के डिस्कोर्स से उस विमर्श से बाहर जाने की बात है <laughs> तो जाहिर सी बात है कि जब उस डिस्कोर्स से बाहर हम जाएंगे तो वहां जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है हमारी वह बदल जाएगी और इसलिए टैगोर कहते हैं कि शब्द और कहानियाँ मुँह जबानी बातें जिनके जरिए अतीत चल कर आता है वह सभी प्रात्योहिक जीवन के तत्व हैं और इन आप कह सकते हैं लोक कथाएं या सामान्य जीवन की थातियाँ यह सभी एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स का स्टेटस ले लेती हैं इसकी गरिमा कहीं भी जो वस्तुनिष्ठ सत्य है उससे कमतर नहीं है लेकिन जब यह हो रहा है इस टैगोर की आलोचना के फ्रेम में तो कहीं बहुत गहरे इतिहास जो ज्ञान का माध्यम है और उसकी एक जो भाषा रही है वह भाषा वह दायरा अपना विस्तार लेती है तो एक तरफ तो जो नए फैक्ट्स हैं जो मोमेंट्स हैं लम्हे हैं जिन्हें अब तक इतिहास ने नकार दिया वस्तुनिष्ठता के पैमाने पर जिसे छोड़ दिया गया उन छोड़े हुए लम्हों की उन प्रक्रियाओं की को वापस लाने की बात है इतिहास में और दूसरी तरफ इस ज्ञान को इतिहास को कैसे अभिव्यक्त किया जाए कैसे पढ़ाया लिखाया जाए उसके बारे में चर्चा है उसकी बात है और इन दो स्तरों पर जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर के इस इंटरवेंशन को देखते हैं तो इसे देखते हुए इतिहासकार रंजित गुहा का आकलन स्वतः ही हमारे सामने आता है जब वे लिखते हैं कि रविंद्रनाथ के द्वारा इतिहास लेखन की निर्धनता की तरफ हमारा ध्यान खींचना महज इस ज्ञान माध्यम की कमियों को बताने के लिए नहीं किया गया था गुहा आगे लिखते हैं कि दरअसल उद्देश्य से भविष्य के इतिहासकारों के समक्ष रचनात्मकता की चुनौतियों को सामने रखना था और उस दिशा में भविष्य के इतिहासकारों को प्रोत्साहित करना था जहां दरअसल आप अपने समाज का अपने देश का इतिहास अपने शर्तों पर अपने अनुभवों को केंद्र में रखते हुए उन अनुभवों को जिन्हें पश्चिम के इतिहास की पद्धतियों ने नकार दिया नाकाबिल समझा उनको उन संसाधनों की तरफ लौटने की बात है ये और उन संसाधनों को किस रचनात्मकता के साथ बगैर ऐतिहासिक सत्य के की संकल्पना के से समझौता किए हुए आप सामने लाते हैं एक नया अतीत घटते हैं अतीत की नई समझ पैदा करते हैं वह बात है और जैसा कि टैगोर इतिहास की शिक्षा दीक्षा को लेकर चिंतित थे तो उन्होंने यहाँ जब इस रचनात्मकता की बात कही इतिहास के को नए माध्यमों की तरफ ले जाने की बात कही तो यात्रा और कोथो कोथा की तरफ हमारा ध्यान दिलाया और स्वदेशी आंदोलन में के समय इस तरह के अनेक प्रयोग हुए जहां इतिहास को क्लासरूम अकादमिक विमर्श से बाहर लोगों के बीच उनकी चेतना को जागृत करने के लिए उपयोग किया गया तो यहाँ अकादमिक विमर्श में जो कैद है इतिहास और सामान्य जनजीवन इसके बीच के अंतर को पाटने की बात चल रही है अब इसीलिए और ये दोनों ही स्तर महत्वपूर्ण हैं इसलिए ही इसलिए भी टैगोर के ऐतिहासिक नायक और नायिकाएं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह इनकी आवाज़ें हमें दो स्तरों के इंटरसेक्शन दो स्तरों के बय संधि पर मिलती हैं एक स्तर है भावनाओं की जमीन और दूसरा ज्ञान मीमांसा की धरातल तो मानवीय भावनाएं जहां लघु अवचेतन यह सभी महत्वपूर्ण है जनजीवन के रागात्मकता की बात है और दूसरी तरफ ऐतिहासिक सत्य और ज्ञान मीमांसा की बात इन दोनों को टैगोर एक दूसरे के साथ जोड़कर और उनके परस्पर क्रिया से जो आवाज निकले उस आवाज की तरफ इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो देखिए एक तरफ प्रात्योहिक जीवन की बात है और दूसरी तरफ मानवीय स्पंदन की बात है एक तरफ विविधता की बात है परस्पर संघर्ष संघर्षरत समुदायों की बात है और दूसरी तरफ उनसे कहीं गहरे जाकर कबीर और नानक और भारतीय जनमानस की सामान्य छोटी मोटी बातों से जो राष्ट्र का अक्स किसी के अंतर्मन में उभरता है उसकी बात है इन सब को एक साथ लाने की बात है यहां मुझे याद आता है राष्ट्रवाद के एक प्रख्यात चिंतक हुए अर्नेस्ट रेनान उनका कहना है कि नेशन इज ए डेली प्लेबिसाइट, अर्थात राष्ट्र अपने नागरिकों के प्रतिदिन के मतदान की तरह है जहां राष्ट्र को उसके नागरिक अपने जीवन में महसूस करते हैं बहुत अलग संदर्भ में अर्नेस्टन वो बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ टैगोर जब बाल्यकाल में ही बालक के मन में राष्ट्र की छवि का निर्माण होते जाने की बात कहते हैं तो कहीं न कहीं उसी भोगे हुए यथार्थ की बात कर रहे हैं उस भोगे हुए अनुभव की बात कर रहे हैं और उस अनुभव के जरिए वह इतिहास और राष्ट्र दोनों की नई छवियाँ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यह बहुत अनोखा तो था उस समय के लिए भी और आज 100 साल बाद भी इसे पढ़ते हुए उतना ही रोमांचकारी अनुभव होता है कि किस तरह एक कवि मानवीय मूल्य और ऐतिहासिक सत्य दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखने की और उसकी रचनात्मकता की जो चुनौतियां हैं उसकी तरफ इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित कर अंत में रविन्द्रनाथ टैगोर के इतिहास दृष्टि को यदि समेटते हुए हम बात करें तो यह महत्वपूर्ण है रेखांकित करना कि जिस प्रकार से वे प्रात्योगिक जीवन को अपने सरोकार के केंद्र में रखते हैं और उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जीवन के साधारण क्षण गौन क्षण इस ओर इतिहासकारों का ध्यान नहीं गया तो वे इतिहास के फलक को शिफ्ट कर रहे हैं उसकी जमीन को बदल रहे हैं हम जब अतीत की तरफ देखते हैं तो हम महज बृहत आख्यानों में बड़ी घटनाओं के कारण परिणामों तक अपने को क्यों सीमित रखें जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब वे मानव जीवन की भावनाओं की बात करते हैं तो क्या हमने रविंद्रनाथ ठाकुर के इन सुझावों को कभी गौर किया पिछले 100 साल में यह दुर्भाग्य की बात है कि 1902 की लिखी हुई यह आलेख और उनकी दी हुई चुनौतियाँ जो हिस्ट्री के महज कंटेंट के लेवल पर ही चुनौती नहीं पेश कर रहा है लेकिन जो हिस्ट्री एज ए नॉलेज सिस्टम उसके फॉर्म की तरफ गहरे इशारा कर रहा है क्या हमने इस तरफ़ तवज्जो दी बीसवीं सदी में जब इतिहास अकादमिक और संस्थानात्मक रूप अख्तियार कर रहा था जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे लेक्चर में तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की इन सुझावों को हमने क्यों दरकरार हमने क्यों इग्नोर इग्नोर कर दिया दरकिनार कर दिया हम फिर से उसी पॉजिटिविज्म की तरफ क्यों चले गए हम हमारे लिए फिर से अतीत घटनाओं का कारण परिणाम उनका विवरण क्यों हो गया हमें इन बातों की तरफ सोचना होगा जब वह काव्यात्मकता की बात कर रहे हैं जब वह हिस्ट्री ऑफ इमोशन की तरफ हमारा ध्यान खींच रहे हैं तो 100 साल लगे पाश्चात्य इतिहास को भी इन बिंदुओं पर गौर करने में और यह ज़रूरी है कि आज 21वीं सदी में जब हम हिस्ट्री ऑफ़ इमोशंस की बात करें तो हम अपनी अंतर्दृष्टि के लिए महज पश्चिम की तरफ और पश्चिम में जिस तरह से सैद्धांतिकी का विकास हुआ हिस्ट्री में या समाज विज्ञान में महज उसी पर आश्रित न हों पश्चिम से अंतर्दृष्टि लेना सकारात्मक अंतर्दृष्टि लेना कतई बुरी बात नहीं है लेकिन साथ ही हमें रविन्द्रनाथ ठाकुर की तरफ भी मुड़कर देखना होगा और उनके सुझावों का उनके चुनौतियों का सामना करना होगा शुक्रिया Of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll see you in the next episode of Literary Snippets.